आज की वीडियो मैथ से संबंधित है। आज का प्रश्न है आपके सामने, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल हों, तो 1 अपान अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपान बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए इसको हल करते हैं। लेकिन हल करने से पहले, अगर चैनल पर नए आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेज वीडियोस प्रतिदिन अपलोड करी जाती है। नोटिफिकेशन पाने के लिए मैं जरूर ऑन करिएगा। ध्यान दीजिएगा, दिया है प्रश्न में, सबसे पहले दिया गया है, लिख लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के मूल अल्फा एवं बीटा है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं, ठीक, इतना दिया है हमें। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 को हम समीकरण एक बना देते हैं, ठीक, और समीकरण एक का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर क्या मिलेगा? यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक, सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, मतलब मूलों का योगफल क्या होता है? मूलों का योगफल फार्मूला माइनस बी अपान ए, ठीक, इस समीकरण के अनुसार इसका जो है फार्मूला क्या होगा, माइनस बी अपान ए, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, ठीक, और इससे हम यहाँ पर इससे तुलना करना है ना इसकी, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कैपिटल ए है, यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कैपिटल ए बराबर स्मॉल ए, ठीक, और फिर इसके बाद जो है बी, कैपिटल बी है, तो कैपिटल बी का मान ले लेते हैं एक्स का गुणांक, ठीक, तो यहाँ पर एक्स का गुणांक क्या है, स्मॉल बी, और यहाँ पर कैपिटल सी है, तो सी का यहाँ पर मान क्या है, सी है, ठीक। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, b के स्थान पर क्या है, माइनस बी अपान ए के स्थान पर a है, ठीक, रख देते हैं यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा आ गया हमारा। और अब हम इसके बाद निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, मतलब अल्फा गुणे बीटा, क्या होता है फार्मूला, c अपान a, तो c का मान क्या है यहाँ पर, स्मॉल c है, और a का मान स्मॉल a है, ठीक। हमें अल्फा प्लस बीटा हमने निकाल लिया, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, वन अपान इधर करते हैं, वन अपान अल्फा स्क्वायर प्लस वन अपान बीटा स्क्वायर बराबर, देखिए हर समान नहीं है ना, तो हम तिरिया गुणा कर लेते हैं, क्या होगा, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर अपान अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अब क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपान अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ठीक। अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम कुछ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के टू अल्फा बीटा, लिख सकते हैं ना, ठीक। फिर नीचे क्या होगा, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान हमने यहां से निकाल रखा है, माइनस बी अपान ए हम रख देंगे इसके स्थान पर, माइनस टू इंटू अल्फा बीटा का मान हमने यहां निकाल रखा है सी अपान ए, तो सी अपान ए रख देंगे, और फिर उसके बाद जो है अपान में अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा का मान सी अपान ए का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, यहाँ पर माइनस बी अपान ए इंटू माइनस बी अपान ए स्क्वायर है, तो दो बार गुणा होता है ना इसका मतलब, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर हो गया माइनस का टू सी अपान ए अपान, यहाँ पर हो जाएगा सी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ठीक। फिर क्या होगा, यहाँ पर इधर कर लेते हैं थोड़ा, फिर इसका दिए नीचे भिन्न है, पलट जाएगा, क्या मिलेगा हमें,
यहाँ पर हम ऊपर जो है ए स्क्वायर क्या ले लेते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा बी स्क्वायर माइनस यहाँ पर हमारे पास बचेगा टू ए सी, ठीक। और ये गुणा में हो जाएगा, ए स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और सी स्क्वायर नीचे, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर ये कट जाएगा, तो इधर कर लेते हैं हम, ठीक। वन अपान एल्फा स्क्वायर प्लस वन अपान बीटा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस टू ए सी अपान सी स्क्वायर, ठीक। तो हमारे पास जो मान आ जाएगा वन अपान एल्फा स्क्वायर प्लस वन अपान बीटा स्क्वायर का, वो आएगा बी स्क्वायर माइनस टू ए सी अपान सी स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेज वीडियो प्रतिदिन अपलोड करी जाती है। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा।